नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत कसाई मंडी के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हमेशा ही गोबत की सूचनाएं आती हैं, जिसके बाद लगातार इस बात की शिकायतें भी होती हैं, वरिष्ठ अधिकारियों तक ये शिकायतें भी पहुंचती हैं। वहीं आज दमोनगर कोतवाली टीआई विजय राजपूत को जानकारी लगी थी कि कुछ गायों को चोरी करने के बाद उन्हें काटने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद दमोनगर कोतवाली पुलिस द्वारा दबिश दी गई। हालांकि मौके पर किसी भी प्रकार का कोई अपराध होते नहीं पाया गया, लेकिन हम आपको बता दें कि जिला बदल के आरोपी घर पर थे, उनकी संबंध में भी पुलिस को जानकारी थी, जिसके चलते दबिश दी गई। बड़े दलबल के साथ ये दबिश दी गई। पुलिस ने जब मंडी में दबिश दी तो अपराधी किस्म के लोग मौके से भाग खड़े हुए। पुलिस को देखने के साथ ही ये मौके से भाग खड़े हुए। पुलिस के द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। इस संपूर्ण क्षेत्र में जाँच की जा रही है। जिस तरह की खबरें आ रही थी उसकी सत्यता की पुष्टि की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में नगर कोतवाली टीआई अपने दलबल के साथ कसाई मंडी क्षेत्र में पहुंचे हैं। दमोनगर कोतवाली टीआई विजय राजपूत के द्वारा हिदायत दी गई है कि अगर किसी प्रकार से गौवध किया जाता है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कहते हैं दमोनगर कोतवाली टीआई विजय राजपूत, आइए सुनते हैं। कसाई मंडी में विगत कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी गाय को चोरी करके गौवध किया जा रहा है, एवं यह भी सूचना थी कि कुछ जिलावदर जो कसाई मंडी जिलावदर हैं, जिनका जिलावदर किया गया है, वो भी घर पर मौजूद है। कुछ फरार आरोपी हैं वो भी हैं। बस कोतवाली में ज़्यादा से ज़्यादा बल को लेके कसाई मंडी में जो जो आरोपी हैं उनके घर पर जाके तलाशी ली गई है, और अभी तक तो ऐसी कोई सफलता हासिल नहीं हुई है, लेकिन अभी सर्चिंग जारी है। सर, तो कोई शिकायतें भी आई थी गायों के बारे में? क्या गायों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि यहाँ पर गाय को अवैध रूप से लेकर आया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई जारी है। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार।